In the previous class, we have discussed on multiple integral, and in multiple integral, we are discussing on double integral. How to solve the double integral? Okay, and then we will discuss on application of double integral. Application of double integral में अपन ने क्या discuss किया कि किसी भी function को जब आप integrate कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर रीजन में कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाता है. ठीक, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन. एंड अनदर एप्लीकेशन ऑफ द डबल इंटीग्रल इज हाउ टू फाइंड द एरिया बाय डबल इंटीग्रल. ठीक है, एरिया हम किसके लिए फाइंड करते हैं? टू डायमेंशनल किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए. व्हेन अ ज्योमेट्रिकल फिगर इज टू डायमेंशन, देन वी कैन फाइंड the surface and the area of that geometrical figure by double integral. Right? अभी अपन यहाँ पे वही discuss करेंगे कि double integral की help से किसी भी two dimension object का area या surface हम कैसे find कर सकते हैं. ठीक है, इससे पहले जो अपन discuss कर रहे थे that is totally different from this. इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? Function का integration कर रहे थे किसी रीजन में, किसी बाउंडेड रीजन में. ठीक है, यहां पे अब हमको उस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है. जिस बाउंडेड रीजन में पहले आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे, अब हमको क्या करना है? उसी बाउंडेड रीजन में उस फंक्शन, जिस बाउंडेड रीजन में आप क्या कर रहे थे? किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे. अब मेरे को उसी बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना. कैसे अपन फाइंड करेंगे? ठीक, सपोज आपके पास में कोई भी दो कर्व है, लेट y इज इक्वल्स टू f1x, y इज इक्वल्स टू f2x, c इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b. Are the given curves. These are four different types of curves. Okay? Then the area. Then area enclosed by these curves. Then the area enclosed by this curve is given by area is equal to integral a to b integral f1x to f2x dx dy. ठीक है, इन चार कर्व से बाउंडेड जो एरिया है, जो भी इन चार कर्व से रीजन बाउंडेड होगा, उस बाउंडेड रीजन का एरिया क्या होगा? इंटीग्रल a टू b. a टू b क्या है? x की आपकी लिमिट है, एंड f1x टू f2x, दीज आर द लिमिट ऑफ y. और यहां पे फंक्शन कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मैं को क्या लेना है? dx लेना. या इन अदर वर्ड, जब आप डबल इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं डबल इंटीग्रल को? द डबल इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर द रीजन r फंक्शन f(x,y) dx एंड dy. ऐसे डिफाइन करते हैं डबल इंटीग्रल को. व्हेन द फंक्शन f(x,y) इज यूनिटी, यानी वो क्या हो जाए? 1 के इक्वल. देन द डबल इंटीग्रल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ इंटीग्रल. ठीक है, then it is represent the area of integral or area enclosed by the curve. ठीक, अब ऐसा जरूरी नहीं है. देखिए, आप लोगों ने भी बी सेक्शन वालों ने भी डबल इंटीग्रल पढ़ा है ना? और डबल इंटीग्रल को जब अपन फाइंड करते हैं तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन देयर लिमिट. ठीक है,
तो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रल करना है या बाद में करना है, इट इज डिपेंडेंट ऑन देयर लिमिट। तो अब जब लिमिट्स में डिपेंड कर रहा है तो डेफिनेटली एरिया फाइंड करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड द सेकंड फार्मूला। इफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वन वाई एंड एक्स इज इक्वल्स टू एफ टू वाई, y is equals to a and y is equals to b are the given curves, then the area formula आपका change हो जाएगा, then the area is integral y is equals to a to b and x is equals to f1 y to f2 y dy d। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी एरिया का फार्मूला है, ये भी एरिया का फार्मूला है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क पड़ गया अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो क्या फर्क पड़ गया? एक्स वाई का फंक्शन तो वही नहीं, फंक्शन तो वन है, क्या इक्वेशन? मैं तो सिर्फ इतना पूछा व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? दिस इंटीग्रल सॉल्व फर्स्ट विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा, जो आपकी लिमिट्स बता रहे हैं। लिमिट्स क्या बता रहे हैं कि जब आप इंटीग्रेट करोगे और लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो फंक्शन किसका आएगा, ये लिमिट्स जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये किस वेरिएबल का फंक्शन बन गई, y का। तो पहले आपको डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना, क्योंकि जब आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे तो यहां लिखिए ना दीस आर द लिमिट ऑफ x, जब x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां पे आपको एक नया फंक्शन मिलेगा, वो नया फंक्शन किस वेरिएबल की फॉर्म में होगा, y की फॉर्म में। देन जो नया फंक्शन वेरिएबल y की फॉर्म में बना है वो फिर इस वेरिएबल y के लिए इंटीग्रेट होगा जिसकी लिमिट क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। डबल इंटीग्रल में जब भी आप इंटीग्रल कर रहे हो तो दो में से या तो दोनों वेरिएबल्स की लिमिट कांस्टेंट होगी या नहीं तो एक वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट होगी और दूसरे लिमिट दूसरे वेरिएबल की दोनों लिमिट या तो अपर या लोअर, या तो दोनों वेरिएबल फॉर्म में होगी या एक वेरिएबल फॉर्म में होगी और एक कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये दोनों लिमिट कांस्टेंट है देयर इज नो प्रॉब्लम, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इस फॉर्म में है आपका इंटीग्रल तो इट इज क्लियरली इंडिकेट द लिमिट्स ऑफ y, ये किसकी लिमिट थी, y की, तो y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x ही होगी या फिर कांस्टेंट होगी। अगर वो इन टर्म्स ऑफ x है तो फर्स्ट यू हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट, ओके। और जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये लिमिट रखने के बाद दिख रहा है ना आपको वेरिएबल x की फॉर्म में है, तो आपका यह जो नया फंक्शन जनरेट होगा दैट इज इन वेरिएबल x, क्योंकि वो वेरिएबल x का फंक्शन होगा तभी तो वो x के लिए सॉल्व होगा, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये लिमिट रखने के बाद फिर हम क्या करते हैं उसको x के लिए इंटीग्रेट करेंगे और जो भी x की लिमिट्स है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या फर्क पड़ गया, यहाँ पे सिर्फ फर्क ये पड़ गया कि जब आप जो भी आपको रीजन गिवन है उस रीजन में आप फंक्शन को इंटीग्रेट करने के पहले उसकी लिमिट्स फाइंड करते हो, फाइंड करते हैं ना लिमिट, तो वो लिमिट्स आप किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, पहले x के लिए फाइंड कर रहे हैं या y के लिए फाइंड कर रहे हैं, या x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर रहे हैं या y की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस होती है। तो वो चॉइस को आप कैसे फुलफिल करते हो, जो भी आप वहां पे ग्राफ ड्रा करते हो उसमें एक स्ट्रिप ड्रा करते हो, वो स्ट्रिप आपको क्या बताती है कि आप पहले x के लिए इंटीग्रल करना चाहते हैं या y के लिए इंटीग्रल करना चाहते हैं, है ना, दोनों ऑप्शन होते हैं ना, कि आप अगर x के लिए इंटीग्रेट पहले करना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट पैरेलल ड्रा कहाँ होती है, पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर आप y के लिए पहले इंटीग्रल चाह रहे हैं तो स्क्रिप्ट ड्रा कहाँ करते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस।
ठीक है, ये सब हमको डिसाइड करना है, क्वेश्चन में कभी नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन में तो आपको सिंपल कर्व्स की इक्वेशन दी है, आप डिसाइड करो कैसे आपको इंटीग्रेट करना, ठीक है। इन दोनों में फर्क देखो, अगर मान लीजिए मैंने फर्स्ट वाले फार्मूले के लिए ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, इसके लिए तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ये मेरे एक्सेस हो गए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यहां पे क्या था पहले आपका एक्स इज इक्वल टू ए, इसको रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ लाइन, विच टाइप्स ऑफ लाइन, पैरेलल टू वाई एक्सेस, तो पैरेलल टू वाई एक्सेस आपने ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स इज इक्वल टू ए को, इन द सेम वे एक्स इज इक्वल टू बी, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस, say this x is equals to, and next he say y is equals to f1x, equation of curve, तो equation of curve को मैं कहीं भी कैसे भी draw कर सकता हूँ, ये मैंने पहला curve draw कर दिया, and the second curve is this, ठीक है, तो ये हो गया आपका first curve f1x and this is the f2x, राइट right? तो यहां पे अपने पास ये ए बी सी डी, दिस इज द क्लोज्ड रीजन, और इस क्लोज्ड रीजन का एरिया मैं फाइंड कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं अगर ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं, इट मींस वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रिप विच इज पैरेलल टू वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस के पैरेलल में स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा, जो मेरे को क्या बताएगा कि यहां पे जो y की लिमिट्स होगी वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x होगी, ठीक है, और फिर जो x की लिमिट्स होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट टर्म्स होगी, यही चीज अपन ने ग्राफिकली बता दी। अगर आप इसके लिए ड्रा कर रहे हैं तो पिक्चर तो सेम यही रहेगा, सिर्फ ये स्ट्रिप की जो डायरेक्शन है वो ऐसी हो जाएगी, और यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है किसका, द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल, जब हम चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रल पढ़ते हैं तो उसमें भी यही करना है कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, उस गिवन क्वेश्चन का ग्राफ अगर इस टाइप का बन रहा है तो अगर आपको उसमें चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रल करना है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल स्ट्रिप की डायरेक्शन आप चेंज कर देते हो, इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है, उसमें हमको कुछ भी नहीं करना रहता है, केवल स्ट्रिप की डायरेक्शन बदल जाती है, इंटीग्रल का जो है ऑर्डर चेंज हो जाता है और वो अपन को सोल्यूशन दे देता है। क्लियर, तो अभी अपन इन्हीं पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय टू पैराबोलास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। द क्वेश्चन इज फाइंड area enclosed by y square is equals to 4ax and x square is equals to 4ay। दो पैराबोलास है, दोनों पैराबोलास से जो बाउंडेड एरिया है, जो बाउंडेड रीजन है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है, राइट, सोल्यूशन लगे। कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको लिमिट्स निकालनी है तो लिमिट्स निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जो गिवन कर्व से उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन निकाल लें, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही मेरे को लिमिट्स भी दे देते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट अपन ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया, गिवन कर्व फर्स्ट है y square is equals to 4ax, the second curve is x square is equals to 4ay, ठीक, चाहे तो आप यहां से x की वैल्यू सॉल्व करके यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे y की वैल्यू यहां से सॉल्व करके यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहां से y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं तो क्या जाएगा, रूट ऑफ 4ax means 2 root ax, ठीक है, तो अपन ने यहां पे लिख दिया by equation 1 and 2, x square is equals to किसके 4 ay,
y के प्लेस पे कितना आपने पुट किया, टू रूट ए एक्स, ठीक है, यहां से y की वैल्यू निकाली, यहां पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, देन x टू दी पावर 4, यहां से रूट हटाना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो क्या आ जाएगा, x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर, ये हो गया था, 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया 4, तो कितना गया 4 का क्यूब, राइट, दिस बिकम 4 क्यूब, यहां से ए स्क्वायर, यहां से रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्या बचा, ए इंटू ए, ए स्क्वायर इंटू ए कितना जाएगा ए क्यूब, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 ए का होल क्यूब इंटू एक्स, लिख सकते हैं, सारी टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट किया, देन एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4 ए होल क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू जी, यहां से एक्स कॉमन ले लिया, then this give us x cube minus of 4 a whole cube and this is equals to g, दो फैक्टर्स हो गए, एक x is equals to 0 और दूसरा x cube minus 4 a cube is equals to 0, so we get x is equals to 0 and x is equals to 4. यहां से क्या आया, x cube minus 4 a का whole cube is equals to 0, तो x cube कितना आ जाएगा 4 a, both side power 1 by 3 multiply किया, तो x क्या बचेगा only 4 a, when x is equals to 0, यहां पे put करके देख लिया, तो क्या आ जाएगा, y is also 0, x 0, तो ये पूरी term क्या हो गई, 0, when x is equals to 4 a, तो यहां क्या आ गया, 4 a का whole square, y square is equals to 4a square, तो y कितना 4a के इक्वल ही होगा, है ना, and y is equals to 4a, तो ये जो अपन ने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, these coordinates represent the given curves are intersect first on 0 0 and secondly on 4a 4a, ठीक है, so the point of intersection, point of intersection are 0 0 and 4a 4a, right, a point of intersection मिल गए तो मैं graph plot कर सकता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे x axis और y axis plot किया, this is x axis, this is y axis. अब आपके पास दो पैराबोलास हैं, एक है x square is equals to 4ay, दूसरा है y square is equals to 4a, means एक symmetrical है x axis पे, एक symmetrical है y axis पे, ठीक है, तो y axis पे symmetrical कौन सा है, दूसरा वाला कि पहला वाला, y axis पे, सोच के बताना, फर्स्ट वाला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, सर ये x वाले पे बनेगा सर, फर्स्ट या सेकंड, y स्क्वायर पर, दूसरा वाला सर, y स्क्वायर पर, y स्क्वायर वाला x पे बनेगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, कहां पे बनेगा, ये ये x पे बनेगा, y स्क्वायर वाला x पे बनेगा और x स्क्वायर वाला, x स्क्वायर वाला y पे बनेगा, हां मतलब बदली हो जाएगी, एंड होगा, और x square is equals to 4ay, y axis पे extend होगा, mean symmetric होगा किस पे, on y axis, ठीक है, तो ये वाला जो parabola है, ये मैंने इसको ये draw कर दिया, ऐसे ही draw होगा, ठीक है, ये y axis पे extend हो रहा है, mean इधर भी होगा, मतलब ये y axis पे symmetric है, ठीक है, so this represent the parabola x square is equals to 4ay, और जो पहला वाला पैराबोला है वो कैसा होगा, x एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा, मींस इट्स ड्रॉन लाइक दिस, मींस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x, अपन ने ऑब्जर्व किया कि जब दो अपन ने पैराबोला ड्रा किए तो ये आपको एक क्लोज रीजन पूरा मिल गया, तो ये क्लोज रीजन का एरिया क्या है वो मेरे को फाइंड करना है, ये जो क्लोज एरिया हमको मिल रहा है इसका एरिया कितना है वो अपन को बताना है, तो अभी अपन ने बताया कि यहाँ पे
हमारे पास हमने दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे, तो ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 0 0, ये आपने सवाल करके लिखा है। एंड सेकेंडली द कर्व्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, इसको आपने कह दिया ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4a 4a, ये आपने इसलिए पहले लिखा। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम होने से हमको ये फायदा होगा कि एक वेरिएबल की लिमिट तो मैं यहीं से निकाल सकता हूं, अब दूसरे वेरिएबल की लिमिट मेरे को चाहिए, तो व्हाट वी डू, वी ड्रॉ अ स्ट्रेट पैरेलल टू आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इट डिपेंड ऑन आप क्या चाहते हैं, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाती है। इसी स्ट्रिप ड्रॉ करोगे उसी के अकॉर्डिंग फिर हमको लिमिट्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अपन ने क्या किया, सपोज किया वी ड्रॉ अ स्ट्रिप व्हिच इज पैरेलल टू y एक्स ए, और इसको अपन ने नाम दे दिया दिस इज पी क्यू, ये सब यहां लिखना भी है बेटा, लिखना भी बहुत जरूरी है हर चीज। ठीक है, नाउ वी ड्रॉ अ स्ट्रिप पी क्यू व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, देन द लिमिट्स ऑफ y, जब स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करिए तो पहले हम लिमिट्स किसकी निकालेंगे y की, और वो y की लिमिट जो होगी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x होगी। ठीक है, कैसे होगी वो भी अभी अपन देख लेते हैं। ठीक है, सो लिमिट्स आर y की लिमिट, y की लिमिट पहले अपन कहां से देखेंगे, ये जो आपने स्ट्रिप ड्रॉ करी है इस स्ट्रिप का लोअर पॉइंट कहां पे है। ठीक है, इस स्ट्रिप का लोअर पॉइंट आप देखो कौन से कर्व को बिलोंग कर रहा है, तो यहां पे देखें स्ट्रिप पहले कहां टच हो रही है पॉइंट पी पे, लोअर साइड का है पॉइंट पी पे, पॉइंट पी इस पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इस पैराबोला पे अगर मैं वाई की वैल्यू फाइंड करूं तो यहां से इजीली निकाल सकते हो कितनी आ रही है एक्स स्क्वायर बाय 4a, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इज द लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, एंड सेकेंडली वाई टेंडिंग टू, अब अपर लिमिट क्या होगी, स्ट्रिप का अपर पॉइंट क्या था q, किसको टच कर रहा है सेकेंड पैराबोला को, तो ये सेकेंड पैराबोला है, यहां से y की वैल्यू फाइंड कीजिए, y स्क्वायर कितना है 4ax, तो y कितना 2√ax, तो सेकंड लिमिट क्या आ गई 2√ax, दिस इज द लिमिट्स ऑफ y एंड द लिमिट्स ऑफ x एंड x टेंडिंग टू। अब देखो एक की लिमिट तो आपको करती है स्ट्रिप की हेल्प से मिल जाती है, दूसरे वेरिएबल की लिमिट हम कहां से निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो यहां पे देखिए एक बार यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना 4a, तो आपकी x की लिमिट कहाँ हमेशा लोअर टू अपर जाते हैं ना, तो लोअर साइड कौन सा है पॉइंट u सॉरी o, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0 2, x टेंडिंग टू 4a, लिमिट्स भी मिल गई। अब आप फार्मूला लगा सकते हैं, सो द एरिया एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल x की लिमिट 0 to 4a, y की लिमिट 2√ax टू x स्क्वायर अपॉन 4a dx dy, ये फार्मूला हो गया आपका। ठीक है, अब पहला इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y और x, y क्यों होगा, क्योंकि आपको मालूम है जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो ये लिमिट किसकी है y की है इन टर्म्स ऑफ x से, यानी अगली बार फिर वो dx के लिए इंटीग्रेट हो सके, राइट, तो फर्स्ट वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट x इज 0 to 4a, dy को इंटीग्रेट किया क्या जाएगा y, लिमिट से 2√ax to x square upon 4a dx as it is, dy को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, एंड देन सब्स्टिट्यूट
limit. So we get integral x is 0 to 4a. Upper limit substitute kiya, then this give us x square upon 4e. Then minus lower limit 2 root of a x into d. Second time फिर से इंट्रीगेट हो रहा है, फिर से आपने उसको इंट्रीगेट किया, then we get x square इंट्रीगेट होगा, by 4a constant है, तो x square का इंट्रीगल x cube by 3, 3 into 4a, कितना हो जाएगा 12a, right? So this is x cube by 12a. यहाँ पे इंट्रीगेट किया, 2b constant, root ab constant, integral kon hua root x, means x ki power 1 by 2 ka integral. What is the integral of x to the power 1 by 2? X to the power 3 by 2 upon 3 by 2. 3 by 2 upon 3 by 2. By 3 into x to the power 3 by 2, right? So, yahan se aapke paas mein minus k 2 root a, ye constant tha. X को इंटीग्रेट किया x to the power 3 by 2 अपॉन में जो 3 by 2 आ रहा है तो डिनोमिनेटर का शिफ्ट होता है न्यूमरेटर में तो ये क्या हो जाएगा आपका into 2 by 3 and the limits are 0 to 4 finally limit substitution करके अपन solution निकाल लेंगे ठीक तो यहां से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे पहले मैंने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया क्या आ जाएगा 4 का क्यूब a का क्यूब ठीक है 4 का क्यूब कितना हो गया जल्दी 64 a अपॉन में कितना है 12 a ये अभी अपन ने अपर लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया देन यहाँ से देखें ये तो हो गया करंट 2 2 4 by 3 ठीक है और यहाँ पे कितना था रूट ए यहाँ पे x की पावर 3 बाय 2 है मींस 4 a टू दी पावर 3 बाय 2 इसको कैसे सवाल करूं मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4 की पावर 3 बाय 2 इनटू a की पावर 3 बाय 2 तो a की पावर 3 बाय 2 यहाँ पे है और a की पावर 1 बाय 2 यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी a की पावर 4 बाय 2 दैट इज a स्क्वायर हो रहा है ना तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा a स्क्वायर देन ये क्या बच रहा था 4 की पावर 3 बाय 2 इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 2 से 2 कैंसिल क्या बचा 2 का क्यूब दैट इज 8 इनटू दिस इज 30 ठीक है और यहाँ पे देखें वो सिंप्लीफाई हो रहा है ये देन लोअर लिमिट में तो ये भी जीरो हो रहा है और ये भी जीरो हो रहा है ठीक है यहां से आपने a की 1 डिग्री कैंसिल करा इसको आपने 4 से कैंसिल किया 4 3 जा ठीक है और ये भी 4 से कैंसिल हुआ 4 1 जा एंड 4 इतना 6 जा तो यहां से आपका बचा 16 a स्क्वायर बाय 3 32 a स्क्वायर बाय दोनों का डिफरेंस सॉल्व कर लिया कितना जाएगा 16 बाय 3 ए स्क्वायर यूनिट दिस इज द सॉल्यूशन ठीक है दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन एनक्लोज्ड बाय दीस टू का ठीक है पक्का माइनस नहीं आएगा क्यों आएगा एलसीएम लेंगे एरिया कभी नेगेटिव होता है दिस इज द कॉमन रीजन ठीक है आएगा वो मैथमेटिकली वो नेगेटिव आ रहा है बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव देयरफॉर द रिजल्टेंट इज 16 बाय 3 ए स्क्वायर यूनिट ठीक है कोई कंफ्यूजन किसी को अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए सर कहाँ पे ये 4a क्यूब यहाँ पे आपने देखो क्या किया x square equals to 4ay में यहाँ से y की वैल्यू निकाली
y स्क्वायर कितना था 4ax, स्क्वायर रूट करोगे बोथ साइड तो y कितना हो जाएगा 4 का रूट 2 और a और x का रूट एज इट इज लिखेंगे, ये आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, ये कितना हो गया 4 2 जाए, ठीक है, यहां क्या आ रहा था a into a की पावर कितनी थी यहां 1 by 2 और यहां कितनी थी x, मेरे को तो x चाहिए था और यहां से वो x सॉल्व नहीं हो रहा था तो मैंने क्या किया बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहां पे क्या आएगा 4a इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया वो भी 4 हो गया, यहां से x की पावर और a की पावर स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो क्या बची 1 बची, यहां आपका a स्क्वायर हो गया था स्क्वायर करने पे 1 a यहां से आ रहा था तो a की पावर कितनी हो गई 3 और 4 की पावर 2 यहां थी और ये 2 का स्क्वायर है 4 आ रहा था तो 4 की पावर टोटल कितनी हो गई 3 यानी 4 का भी क्यूब हो गया a का भी क्यूब हो गया इसलिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप सिंपलीफाई करके देखो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऑप्शन पे ठीक। चलिए इसी का एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फाइंड द एरिया बिटवीन, सर जी जरा लिमिट बता दीजिए, लिमिट हल्के से कैसे रखी, लिमिट रखी कैसे कि लिमिट निकाली कैसे, रखना तो वो सीख चुके हो 12th में, नहीं नहीं निकाली कैसे, मतलब ये वाली लिमिट कैसे निकली, ये वाली ना y is equals to x square upon 4a to y tending to 2 root a, ये कैसे आई, यस सर ये कैसे आई, yes. पिछला लेक्चर अटेंड किए थे ना, नहीं किए हो गए ना, ये जो अपन स्ट्रिप ड्रॉ कर रहे हैं इस स्ट्रिप का जो लोअर पॉइंट है p वो किसको लाइज कर रहा है, ये वाले कर्व को, ये वाला कर्व कौन सा है x square is equals to 4ax, ठीक है, तो अपन यहां से क्या कर रहे हैं y की वैल्यू निकाल रहे हैं x square 4ay तो y कितना हो जाएगा x square upon 4a, ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, फिर स्ट्रिप का अपर पॉइंट क्या था q, इसको लाइज कर रहा था सेकंड वाले कर्व को जिसकी इक्वेशन क्या थी y square is equals to 4 a y स्क्वायर, ये तो y यहां से सॉल्व किया मींस स्क्वायर रूट लिया 4 का रूट 2 और a और x का स्क्वायर रूट एज इट इज लिख दिया तो ये आ गया, अब आपको y की लिमिट्स मालूम हो गई तो x की लिमिट्स हम कैसे निकालेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पहला o और दूसरा a तो यहां पे x का कोऑर्डिनेट और यहां पे x का कोऑर्डिनेट वो क्या दे देंगे आपको लिमिट्स फॉर a, क्योंकि ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोअर साइड पे है तो वो क्या देगा लोअर लिमिट और ये अपर साइड है तो ये क्या देगा अपर लिमिट मींस 0 टू 4 a ये आपकी x लिमिट, क्लियर, यस सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, find the area enclosed by the curves x square plus y square is equals to a square, first curve है आपका x square plus y square is equals to a square and x plus y is equal to a, x plus y is equal to a, solution लिखेंगे, the first given curve is x square plus y square is equals to a square, the second curve is x plus y is equal to a, the first curve is represent to a circle with centers are origin and radius is पहले इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है एक सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसके सेंटर क्या है ओरिजिन है और साथ में रेडियस कितना है, दूसरी वाली इक्वेशन क्या है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है कि
ऐसी स्ट्रेट लाइन जो x और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर, कितना इंटरसेप्ट कट करती, तो इसको मैं सॉल्व करके देखूं, पूरी इक्वेशन को a से मैंने डिवाइड किया, क्या आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल्स टू 1। इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी ना 11 में, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, वेयर a एंड b आर द इंटरसेप्शन, ठीक है, लाइन मेक्स ऑन x एंड y एक्सिस। तो यहां पे क्या हो रहा है, ए और बी दोनों समान है, यानी x और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्शन कट हो रहा है वो कैसा है, इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू e, ठीक। और सर्कल का रेडियस भी कितना है, ये चीजें मेरे को बतानी है यहाँ पे थ्योरेटिकली, जब मैंने ये दो इक्वेशन लिखूंगा तो इसके बाद आप लिखोगे द इक्वेशन वन रिप्रेजेंट अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस a, एंड द सेकंड इक्वेशन रिप्रेजेंट टू अ स्ट्रेट लाइन विच मेक एन इंटरसेप्शन a ऑन बोथ द एक्सिस, दोनों जगह सेम, क्योंकि यही चीजें आपको क्या कर रही, जो हम वहां ग्राफ बना रहे हैं वो हम अपने मन से नहीं बना रहे, जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो चीज फिर उसको वहां पे आइडेंटिफाई कराएगी कि जो इनने यहाँ लिखा है वही पिक्चर में उनने ड्रॉ किया। सिर्फ पिक्चर ड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा, कि आपने पिक्चर ड्रॉ कर दी और सामने वाला समझ जाए कि कैसे ड्रॉ करें, वो आपको मालूम है आपने कैसे ड्रॉ करें, सामने वाले को नहीं मालूम इसने कैसे ड्रॉ करें, तो वो हमको यहाँ एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा, राइट। अब ये दोनों कर्व्स कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे तभी क्लोज रीजन बनेगा, तो अपन देखें कहां इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो अपन ने इक्वेशन टू से यहां से वाई की वैल्यू निकाल ली, यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, या एक्स की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करो, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। सो वाई इक्वेशन वन एंड टू, वाई इक्वेशन वन एंड टू, एक्स के प्लेस पे यहां, ठीक है, एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिया, y स्क्वायर यहां से मैंने y की वैल्यू फाइंड करी, क्या जाएगी a माइनस ऑफ x होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई किया, देन दिस गिव अस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a।